हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं संविधान के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को ले रहा हूँ, एमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन प्रावधान। तो एमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन प्रावधान ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और आपातकालीन प्रावधान या एमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो संविधान के भाग 18 में दिया गया है, पार्ट 18 में। और आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 352 से लेकर और 360 तक एमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर हम इस चैप्टर में बच्चों देखें तो तीन प्रकार की एमरजेंसी की बात की गई है, तीन प्रकार के इमरजेंसी कॉल की बात की गई है। सबसे पहली इमरजेंसी जो है, हम इस तरह से इसको आपको बता रहे हैं यहाँ जगह की वजह से, सबसे पहली इमरजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में दिया गया है, 352 के तहत ये प्रावधान है। दूसरा जो है वो राज्य में आपात या राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राज्य में आपात या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 356 में दिया गया है। और तीसरा है वित्तीय आपात या फाइनेंशियल प्रोविजन, वित्तीय आपात या फाइनेंशियल प्रोविजन ये आर्टिकल 360 में या 360 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो अब ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये स्पेशली अगर देखा जाए तो किस देश से प्रभावित है, किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो वो देश है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से प्रभावित है। आपातकालीन प्रावधानों को, इमरजेंसी प्रोविजंस को किसी भी संविधान का एकात्मक लक्षण कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। तो इसलिए इसको यूनिटरी पावर कहा जाता है, एकात्मक शक्ति कहा जाता है, जर्मनी के संविधान से प्रभावित है। अब एक एक करके सबसे पहले हम जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनको कवर करते हैं, और फिर उसके बाद उसका जो कंपैरेटिव चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी में जो आपसे बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हम क्वेश्चंस का एरिया देखें, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत, तो उन क्वेश्चंस का अगर एरिया देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये कि किस आर्टिकल में है। मैंने जैसा कि आपको बताया 252 आर्टिकल पूछा जाता है। इस आपातकाल को लगाने का कारण क्या है, आधार क्या है, किस बेसिस पर, किस आधार पर लगाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन के रूप में हो सकता है। इस आपात की घोषणा कौन करता है, डिक्लेरेशन या घोषणा किसके द्वारा की जाती है। आपातकाल की समय अवधि क्या है, टाइम पीरियड क्या है, समय अवधि को लेकर मैक्सिमम टाइम पीरियड कैसे लगाया जाता है, कितने समय के लिए, ठीक है, और इस आपातकाल का प्रभाव क्या है। ठीक, तो इन बिंदुओं पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इन पॉइंट्स पर, इन बिंदुओं पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई भाई कि इसमें अगर हम आर्टिकल की बात करें, ठीक है, तो आर्टिकल आपके सामने आ गया, 352 में है। लेकिन अब इसका क्या जानना है हमें, किस आधार पर, किस कारण से इमरजेंसी लगाई जाती है, इसकी घोषणा कौन करता है। ठीक है, इसके बाद हाँ, घोषणा में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आएगी, किसकी सलाह से घोषणा की जाती है, जो राष्ट्रपति करता है किसकी सलाह से करता है। ठीक, फिर उसके बाद इसका टाइम पीरियड, और इसके बाद जब इमरजेंसी लगती है तो क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इन बिंदुओं पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी के, क्योंकि आप आर्टिकल जान चुके हैं
तो राष्ट्रीय आपात का आधार नेशनल इमरजेंसी का या राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है, किस बेसिस पर, किस आधार पर ये लगाया जाता है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो बच्चों आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात लागू करने के तीन आधार दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को अचानक जो है कुछ हुआ, सपने में आया और उन्होंने कहा आज रात 12 बजे से नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। किस आधार पे आप लगाओगे इमरजेंसी? तो ऐसा आधार है पहला जो है यहाँ पर, युद्ध या वॉर, युद्ध के आधार पर लगाया जा सकता है। दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, ये सब आप लिखते रहिएगा साथ साथ, एक्सटर्नल अटैक या बाह्य आक्रमण, ये अगला आधार है बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण। और तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह, रिवोल्ट विद आर्म्स या सशस्त्र विद्रोह जो है ये तीसरा आधार है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात तीन आधारों पर घोषित की जा सकती है, पहला युद्ध के आधार पर, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। अब यहाँ बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले ये आधार नहीं था, पहले इसके स्थान पर आधार था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस या आंतरिक अशांति। लेकिन क्योंकि आंतरिक अशांति का जो आधार था इसका दुरुपयोग किया गया, इसका मिसयूज किया गया 1975 में, तो इसी कारण से जनता पार्टी की सरकार ने आर्टिकल 352 में अब यहां पर एक अमेंडमेंट किया। तो अब यहां आप इसको लिख सकते हैं 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978। ठीक, और अब इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा आर्टिकल 352 में, 352 में, 352 में संशोधन किया गया। ठीक है, संशोधन करते हुए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया, शब्द रखा गया। ठीक है, तो ये आपके सामने आया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करते हुए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। ठीक, तो अब यहां पर यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, 44th अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट हो गया, जिसके द्वारा इसको हटाकर इसको जोड़ा गया और वर्तमान में ये तीन आधार हैं नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर आधार की आपको क्लियर हुई होगी कि किस कारण से, किस आधार पर ये इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं इस इमरजेंसी की घोषणा, डिक्लेरेशन या घोषणा की बात करें, तो देखिए किसी भी प्रकार की इमरजेंसी घोषित जो की जाती है वो किसके द्वारा घोषित की जाएगी, राष्ट्रपति। तो कभी भी पूछा जाता है कि कोई भी इमरजेंसी अगर पूछा जाता है कि किसने घोषित किया, तो राष्ट्रपति ने घोषित किया। लेकिन अब यहां इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी सलाह से, तो यहां पर आप देखिए जो सलाह है वो लिखा गया है मंत्रिमंडल, मंत्री मंडल मतलब कैबिनेट, कैबिनेट की लिखित सिफारिश से, की लिखित सलाह या लिखित सिफारिश। ठीक है, लिखित सिफारिश, तो यहां पर सलाह या सिफारिश,
मैंने आपसे कहा था कि एक चीज इंपॉर्टेंट होगी घोषणा, और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होगी, किसकी सलाह से ये घोषित किया जाता है, किसकी सिफारिश से एडवाइस से ये घोषित किया जाता है। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से जो है वो घोषित किया जाता है। ठीक, अब बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर, वो क्या कि क्या ये पहले भी ऐसा था, तो नहीं। अब इस मामले में भी फिर 44वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978, उसी के द्वारा किसमें संशोधन किया गया होगा, 352 में संशोधन करते हुए, क्या संशोधन किया गया 352 में संशोधन करते हुए, मंत्री परिषद के स्थान पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद के स्थान पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश का प्रयोग किया गया, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, ठीक है, लिखित सिफारिश का जो है वो प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये आप देखिए कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 352 के मामले में कितना इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इससे पहले 1975 में इसका दुरुपयोग हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा बिना किसी कारण से आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगा दी गई, तो आंतरिक अशांति आधार खत्म कर दिया गया क्योंकि ये माना गया कि ये कन्फ्यूजन वाला आधार है। क्या चीज माने आंतरिक अशांति, बंगाल में कुछ बवाल होगा आंतरिक अशांति मान लो, यूपी में कुछ बवाल हो गया आंतरिक अशांति मान लो, तो ऐसे तो फिर पता लगा हमेशा इमरजेंसी लगती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इस आधार को खत्म किया गया। अब उसके पहले क्या था, इस संशोधन के पहले, कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। तो अब यहां पर इसकी जगह क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है, ना लिखित ना मौखिक। अब इसका फायदा उठाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, उन्होंने राष्ट्रपति से इसकी घोषणा करवा दी। तो इसलिए ये आगे फिर भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो पाए, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह कैबिनेट शब्द रखा गया, और ये भी रखा गया कि लिखित सिफारिश के आधार पर, ठीक है, ये आपातकाल की घोषणा लिखित सिफारिश के आधार पर होगी, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ने कहा मंत्रिपरिषद की सिफारिश हो गई और लगा दिया गया, ये मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे संविधान में यही एकमात्र ऐसा आर्टिकल है 352 जिसमें कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, अदरवाइज सभी स्थानों पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रयोग किया गया है, मंत्री परिषद का, कहीं भी कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं है, मंत्रिमंडल का नहीं है। और मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का अंतर ऑलरेडी मैं आपको कार्यपालिका के लेक्चर में बता चुका हूँ, उस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर टाइम पीरियड या समय अवधि। तो देखिए बच्चों, समय अवधि की अगर बात की जाए तो समय अवधि जो है राष्ट्रपति द्वारा जब ये घोषित होता है, यानी इसकी दो प्रकार की समय अवधि होती है, एक इनिशियल या प्रारंभिक और दूसरा अधिकतम या मैक्सिमम। ठीक, ठीक है, तो अधिकतम या मैक्सिमम, प्रारंभिक
राष्ट्रपति जब घोषित करता है वो एक माह के लिए होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा एक माह के लिए घोषित, अधिकतम अनिश्चित काल, अनिश्चित काल तक, इनफाइनाइट पीरियड या अनिश्चित काल तक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या ये पावर हमारी केवल कार्यपालिका के पास है, विधायिका के पास कुछ नहीं है? तो ऐसा नहीं है, विधायिका की परमिशन के बिना ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो राष्ट्रपति इमरजेंसी को एक माह के लिए घोषित करता है, एक माह के लिए वो घोषित करता है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात की अवधि एक माह से अधिक नहीं रह पाएगी अगर संसद उसका अनुमोदन ना करे। इसका मतलब इसके बाद जो यह अनिश्चित काल की अवधि आती है, ये कैसे आ सकती है? संसद इस एक माह के बाद की बात है, संसद इस अवधि को, इस टाइम पीरियड को, इस अवधि को 6-6 माह करके अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है, ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रारंभिक अवधि एक बार है, एक माह है, और उसके बाद इस अवधि को संसद जो है वो विशेष बहुमत के द्वारा, यहां पर यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस मेजॉरिटी के द्वारा? विशेष बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी, विशेष बहुमत के द्वारा 6 माह के लिए बढ़ाती है, 6 मंथ के लिए बढ़ाती है, और फिर 6 माह के लिए बढ़ा देती है अगर, तो ये 6-6 माह करके ये अवधि अनिश्चित काल के लिए हो सकती है, ठीक। तो क्वेश्चन यहां पर समय अवधि या टाइम पीरियड को लेकर आपसे 3 प्रकार या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति कितने समय के लिए घोषित करता है? एक माह के लिए। दूसरा, संसद आपातकाल की अवधि को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 माह के लिए। तीसरा, राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? अनिश्चित काल, इनफाइनाइट पीरियड, अनिश्चित काल हो सकती है। और चौथा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपात की अवधि को, टाइम पीरियड को संसद किस बहुमत से बढ़ाती है, उसका प्रस्ताव किस बहुमत से पास करती है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब कुल सदस्यों का 1/2+1 या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो सबसे जो अवेलेबल होगा उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत ही यहाँ पर विशेष बहुमत के रूप में देखा जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या हो, ठीक है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है कौन कौन सी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं, ठीक है। अगर हम उसको देखें तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो अगर हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हमारे फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार प्रभावित हो जाते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, और यहाँ मूल अधिकार 2 प्रकार से प्रभावित होते हैं। 2 प्रकार से कैसे? आर्टिकल 19 में, ये आर्टिकल की बात है, आर्टिकल 19 में प्राप्त, आर्टिकल 19 में प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं आने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, रैली करने की स्वतंत्रता, तो ये 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं, स्वतः निलंबित हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती है, निलंबित हो जाती है। तो पहला प्रभाव, हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता जो है, जो यहाँ पर है, जो आर्टिकल 19 में दी गई है,
इसमें प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं, जैसे बोलने वाक और अभिव्यक्ति की, स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, कोई पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रताएं जो नागरिक स्वतंत्रता सिटीजन फ्रीडम कही जाती हैं, वो सब की सब निलंबित हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दें, पहली चीज़ तो ये क्लियर करना है कि ये बात कहाँ कही गई है। ये बात आर्टिकल 352 में कही, सॉरी 358 में कही गई। 358 ये कहता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी, 19 में प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी। लेकिन ये स्वतंत्रताएं दो कंडीशन में ही निलंबित हो सकती हैं, अगर इमरजेंसी युद्ध के आधार पर है या बाह्य आक्रमण के आधार पर है। तो अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है तो ये स्वतंत्रता निलंबित नहीं होगी, ऑटोमेटिक निलंबित नहीं होगी। ठीक, ऑटोमेटिक निलंबित नहीं होगी, ये बात अलग है कि राष्ट्रपति आदेश से निलंबित करे, बट ऑटोमेटिक निलंबित नहीं होगी। ठीक, अब दूसरा मूल अधिकार पर जो प्रभाव होता है वो है आर्टिकल 20 और 21 के अतिरिक्त, अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 अतिरिक्त, राष्ट्रपति द्वारा सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है। तो ये दूसरा प्रभाव है, किया जाता है, ठीक है, लिख सकते हैं हम। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 359 कहता है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात के दौरान, अनुच्छेद 20 और 21 ये हमारे जीवन से जुड़े हुए अधिकार हैं, इनको निलंबित नहीं कर सकते, इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये हुआ इफेक्ट फंडामेंटल राइट पर जो होता है, पड़ता है उस पर। अब यहाँ क्वेश्चंस जो आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन सा फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली या स्वतः निलंबित हो जाता है, आर्टिकल 19, कौन से मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकते, 20 और 21। मूल अधिकारों का निलंबन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल 358 पूछा जा सकता है, 359 पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपसे जो है यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। अब अगर हम बच्चों आगे चलते हैं तो आपका अगला जो इसमें सेक्शन है कि प्रभाव किस पर पड़ता है, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रभाव है वो शासन व्यवस्था, गवर्नमेंट सिस्टम। शासन व्यवस्था या गवर्नमेंट सिस्टम पे जो प्रभाव पड़ता है, हमारे देश की शासन व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, यूनिटरी हो जाती है। मतलब शक्तियों का एक केंद्र हो जाता है, केंद्र जो है या हमारी जो संसद है वो सर्वशक्तिमान हो जाती है, और राज्यों की जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां, चाहे विधायी शक्ति हो, हाँ, सभी प्रकार की शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, केंद्र के पास। तो सभी राज्यों की शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं और इस रूप में एकात्मक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस दौरान आर्टिकल 250 के अंतर्गत, 250 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है, यानी राज्य से वो अधिकार छिन गया तभी तो बना सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा प्रभाव हमारे देश की शासन व्यवस्था पर पड़ता है, जब एकात्मक हो जाता है, विधायी शक्ति जो है पूरी तरह से, कार्यकारी शक्ति, ये सब शक्तियाँ किसके पास चली जाती हैं, वो सब केंद्र के पास चली जाती हैं। ठीक है, अब तीसरा एक और प्रभाव, अगर हम मोटे तौर पर बड़े प्रभावों की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर जो तीसरा प्रभाव है वो लोकसभा के कार्यकाल पर पड़ सकता है। लोकसभा का कार्यकाल, तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर भाई अब जैसे इमरजेंसी लगी है तो
भाई अब कोरोना भी एक इमरजेंसी थी लेकिन चुनाव हो रहे थे, तो अब ये बात अलग है। लेकिन हमारे यहाँ बात की गई संविधान में कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लग जाए और उस समय लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो क्या लोकसभा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया नहीं जा सकता? तो वहाँ व्यवस्था दी गई है कि भाई इमरजेंसी लगी है तो उसमें लोकसभा चुनाव नहीं हो सकते, तो बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है, ये लोकसभा खुद करेगी एक वर्ष की वृद्धि। अब इसके आगे संविधान मौन है कि ये वृद्धि कितनी बार की जा सकती है, लेकिन ये एक बार में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। अब संविधान मौन क्यों है? क्योंकि वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि भाई जैसी परिस्थिति हुई उसके अनुसार फिर देखा जाएगा, ठीक है? तो वो जो है ये एक प्रभाव के रूप में है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? अब अगर बच्चों हम बात करें कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसका प्रयोग अभी तक, राष्ट्रीय आपात का प्रयोग जो है वो कितनी बार हुआ है, तो राष्ट्रीय आपात या सॉरी मैंने यहाँ पर राष्ट्रपति लिख दिया है, ठीक है? राष्ट्रीय आपात का बच्चों जो प्रयोग हुआ है वो अभी तक 3 बार हुआ है। राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी का जो प्रयोग हुआ है वो अभी तक 3 बार हो चुका है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। दूसरी बार 12 दिसंबर 1971 को हुआ था, और तीसरी बार 25 जून 1975 में हुआ था, ठीक? अब पहली बार जो हुआ था वो इंडो चाइना वॉर के कारण हुआ था, इंडो चाइना वॉर, इंडिया चाइना वॉर के कारण हुआ था। दूसरी बार इंडो पाक वॉर के कारण हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान वॉर के कारण हुआ था। और तीसरी बार मैंने आपको बताया इंटरनल डिस्टरबेंस या आंतरिक, यही दुरुपयोग हुआ था, जो मिसयूज हुआ था, आंतरिक अशांति के आधार पर या इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर हुआ था, ठीक? तो अभी तक ये शुक्र है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम लोग देख रहे हैं, आप सोचिए कि जो है जो कोरोना काल है एक प्रकार की ये हेल्थ इमरजेंसी, जिसमें लॉकडाउन हुआ सब कुछ हुआ, तो आप सोचिए ये हेल्थ इमरजेंसी जब इतना खतरनाक है तो इस तरह की इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी होती होगी कितनी खतरनाक होती होगी, है कि नहीं है? तो अब आप सोच लो कि इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि 1962, 1971 या 1975 जैसे वो दौर रहे होंगे, जबकि आप देख रहे हैं कि लगभग जो है वो 10-15 साल का दौर था जो बहुत ही खराब भारत के लिए दौर रहा होगा जब इतनी इमरजेंसी का प्रयोग किया गया, ठीक है? और किसी भी देश के लिए ये व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, एकात्मक हो जाता है। और जब कहीं भी एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम हो जाता है, तो वहां पर क्या आ जाता है? तानाशाही, वहां पर तानाशाही या डिक्टेटरशिप आ जाती है, और वो डिक्टेटरशिप बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे इस समय हम पड़ोसी देश अगर म्यांमार की बात करें तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां से रोज शरणार्थी इंडिया आ रहे हैं, तो क्या स्थिति होती होगी, ठीक? तो ये नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल। बाहर बारिश का दौर जारी है, कुछ चीज़ों के अपने फायदे हैं, ऑनलाइन सिस्टम में आप अपने घर पे बैठे अपनी क्लास ले ले रहे हो, लेकिन ऑनलाइन की व्यवस्था में जिस तरह से बच्चों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, लापरवाही जिस दौर से चल रही है, वो बहुत ही बड़ी एक विकट स्थिति उत्पन्न होनी है आगे भविष्य में। अब अभी जो बच्चे सक्रिय हैं, जो समझ जाएंगे वो तो समझ जाएंगे, और अगर वो बड़े कॉरपोरेट के जाल में आ गए तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। आप देखते रहते होंगे
लोग तरह तरह के, हम लोग कभी भी ऑनलाइन में, आपको किसी भी, बहुत से बच्चे कहते हैं ऑनलाइन में एडमिशन करिए, ऑनलाइन में, हम लोग कहते हैं नहीं, हम ऑफलाइन सिस्टम को ही मानेंगे, उसी को हम जानते हैं कि वो बच्चों के पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और ये देख रहे हैं जिस स्तर पे 80% स्टूडेंट्स जिस तरह से चीटिंग कर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, नोट्स कल पे टाल रहे हैं, ठीक है, कल लिखेंगे, जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, चाहे सिविल के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट्स हों, दोनों तरफ ये स्थितियां हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि आप टेस्ट जब होता है तो किस तरह से स्कोर लिख के भेज देते हो, क्या कर रहे हो, लेकिन ये अपने लिए किस तरह की सफलता का आधार रख रहे हैं आप समझ सकते हो। तो बच्चों जल्दी से ये मनाओ, अपने लिए मनाओ कि अच्छा हो जाए सब कुछ, जिससे कि जो है आप अपने क्लास सिस्टम में, क्योंकि क्लास सिस्टम का विकल्प जो है कुछ नहीं हो सकता है, इसका एहसास जो सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छी तरह होगा। अब जो जिसको नहीं लेना है उसकी बात ही अलग है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कुछ करता है और मानसिक रूप से जो है वो परेशान हो जाता है तो क्या फायदा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय आपात में, उसके बाद मैं राष्ट्रपति शासन पे चलूँगा। राष्ट्रीय आपात में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने आपसे अभी बताया कि भाई घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, उसका अनुमोदन कौन करता है जो है वो भी संसद के द्वारा होता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये उठता है, एक प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय आपात को वापस लेना, नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर की गई है और संसद ने वो प्रस्ताव पारित कर दिया, तो इसको वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्थिति होगी वापस लेने की। तो वापस दो तरीके से लिया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात जो है या नेशनल इमरजेंसी, दो तरीके से वापस हो सकता है। एक, पहला, राष्ट्रपति, उसे बहुत बड़ी इसमें पावर है, राष्ट्रपति कभी भी घोषणा को वापस ले सकता है, घोषणा को वापस ले सकता है, ठीक है। तो ये पहला है कि राष्ट्रपति कभी भी घोषणा को वापस ले सकता है। और इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, यानी राष्ट्रपति जब वापस लेगा तो संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, संसद के अनुमोदन या पास करने अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, ठीक। अब देखिए अंतर, देखिए आप यहां, जब राष्ट्रपति घोषणा करता है तो उस घोषणा को 1 महीने बाद अगर लागू करना है तो 30 दिन के बाद तभी लागू हो पाएगा जब संसद उसका अनुमोदन करे, वो भी 2/3 बहुमत से। लेकिन अगर वापस लेता है तो वापस लेने में संसद के किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। अब दूसरा क्या तरीका हो सकता है वापस लेने का, मान लो राष्ट्रपति नहीं वापस ले तो कैसे वापस हो सकता है, तो लोकसभा, यदि लोकसभा सामान्य बहुमत से, अब देखिए ये भी इंटरेस्टिंग हो गया यहां पर, जनरल मेजॉरिटी से, सामान्य बहुमत से, जनरल मेजॉरिटी से, सामान्य बहुमत से संकल्प या प्रस्ताव पारित कर दे, संकल्प या प्रस्ताव पास कर दे, पारित कर दे, ठीक है, तो राष्ट्रपति को अनिवार्यता, तो राष्ट्रपति को अनिवार्यता, कंपलसरी है अनिवार्यता, घोषणा वापस लेनी है, घोषणा वापस लेनी होगी, ठीक। तो राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी आपने देखा था कि जब संसद जो है इसको 6-6 महीने करके आगे कब बढ़ा सकते हैं, 6-6 महीने करके बढ़ा तब सकते हैं जब जो है वो संसद उसमें 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, अनुमोदन करती है। लेकिन वापस लेने में बिल्कुल उल्टा है मामला, बहुत
यानी राष्ट्रीय आपात को लागू करना, राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाना, यानी उसको 6 6 माह के लिए बढ़ाना, ये कठिन है, लेकिन राष्ट्रीय आपात को वापस लेना आसान है। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ाना दो तिहाई बहुमत, वापस लेना सामान्य बहुमत 1/2+1। ठीक है, और एक और वापस लेने में क्या, राष्ट्रपति घोषणा कर दे कि वापस लेते हैं हम। ठीक है, वापस ले लिया जाएगा। ठीक, तो संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रीय, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इमरजेंसी लगी तो लोकसभा की बैठक कहाँ होगी, तो लोकसभा की बैठक अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर्स राष्ट्रपति को लिख कर देते हैं कि आप लोकसभा की बैठक बुलाइए, तो उस समय लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी और प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति बाध्य है उसे वापस लेना होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल। हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी शक्ति जिसके द्वारा केंद्र हमेशा राज्यों को डराता रहता है, ठीक से रहो नहीं हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो राष्ट्रपति शासन के आर्टिकल में अगर कहा जाए तो 356, 356 के अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने राष्ट्रीय आपात में देखा कि भाई उसका आधार क्या था, वैसे यहाँ पर अगर हम आधार की बात करें, उसका कारण क्या है, आधार क्या है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस बेसिस पर लगाया जा सकता है, तो सबसे पहला आधार है एकमात्र आधार के रूप में राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना। राज्य में संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तंत्र का विफल होना, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का विफल होना। ठीक है, तो अब यहां पर अब देखिए, इससे पहले आपने देखा कि नेशनल इमरजेंसी में क्लियर है युद्ध क्या है, बाह्य आक्रमण क्या है, लेकिन अब यहां ये क्लियर नहीं है कि व्हाट इज फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना किसे कहेंगे, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और इस तरह से ये चीज जब दे दी गई कि राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, तो ये बहुत कुछ छोड़ दिया गया राज्यपाल के ऊपर। ठीक है, राज्यपाल के ऊपर, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि घोषणा कौन करता है, तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी प्रकार के आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति यहां पर किसकी सलाह से करता है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं, राज्यपाल की लिखित सिफारिश के आधार पर, राज्यपाल की लिखित सिफारिश। राज्यपाल की सिफारिश था SR बम्बई बनाम भारत संघ का केस हुआ और उस केस में इस बारे में बात की गई कि भाई राज्यपाल की सिफारिश लिखित होनी चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई राज्यपाल की तो सिफारिश जो है वो लिखित होनी चाहिए। तो राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, हमारा जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राष्ट्रपति शासन जो एक प्रकार से स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, राज्य में आपात भी कहा जाता है, ठीक है, उसकी घोषणा करता है। ठीक, तो अब यहां पर राज्यपाल तय करेगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है कि नहीं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्य की सरकार बहुमत खो चुकी है और कोई और सरकार बनने का परिस्थिति बनने की नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, संवैधानिक तंत्र विफल मान लिया जाएगा। राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विफल हो गई। ठीक है, एक कारण बन सकता है, और ऐसे में राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश कर सकता है और राष्ट्रपति इसी आधार पर 356 के अंतर्गत स्टेट में प्रेसिडेंट रूल घोषित कर सकता है। ठीक, अब बात आती है बच्चों यहां पर भी टाइम पीरियड की, समय अवधि। तो राष्ट्रपति शासन की
समय अवधि या टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इसे 2 माह के लिए घोषित किया जाता है, 2 मंथ के लिए, और 2 माह के बाद संसद इसे एक बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन अब यहां अंतर क्या आएगा, देखिए, 6 6 माह करके, 6 6 माह करके, 6 6 मंथ या 6 6 माह करके, अधिकतम या मैक्सिमम 3 वर्ष तक लागू कर सकती, 3 वर्ष तक लागू कर सकती। ठीक, तो अब इसमें भी एक चीज आपको मैं बता दूं कि 3 वर्ष में भी कंडीशन है, इसमें भी 1 वर्ष सामान्य स्थिति का है और 2 वर्ष तब जब निर्वाचन आयोग जो है, सॉरी 1 वर्ष है ये, ठीक है, 1 वर्ष सामान्य स्थिति और +2 है, तो 1+2 है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 है, 1+2 है, 2 वर्ष तब जब निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि अभी राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन को आगे कंटिन्यू किया जाए, तो फिर 6 6 माह करके उसे जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, हालांकि एक चीज और यहां पर बता दूं कि संसद इस अवधि को किसी राज्य विशेष के लिए बढ़ा सकती है, जैसा कि पहले पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए बढ़ाया गया था, वहां 5 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था वहां के लिए की गई थी। ठीक, अब बात आती है कि अगर कहीं भी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहला प्रभाव क्या होता है कि जो राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्ति है, राज्य की विधायी मतलब विधि बनाने की, कानून बनाने की लेजिस्लेटिव पावर, एंड कार्यकारी या एजुकेटिव पावर, जो भी यहां के इंस्ट्रक्शंस होंगे, कार्यकारी शक्ति केंद्र में निहित हो जाती है, केंद्र में निहित हो जाती है। ठीक है, सेंट्रल में या केंद्र में निहित हो जाती है राज्य की सारी शक्ति। ठीक, राज्यपाल या गवर्नर, यहां फंडामेंटल राइट वगैरह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राज्यपाल वास्तविक या रियल कार्यपालिका प्रमुख के रूप में काम करता है, एजुकेटिव चीफ के रूप में काम करता है, राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख हो जाता है। ठीक है, तो पहला प्रभाव आप देख रहे हैं कि राज्य की विधायी शक्ति, अब जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 350 सॉरी 250 के तहत यहां भी राज सूची के विषय पर कानून कौन बनाने लगता है, संसद बनाती है। ठीक, जो हमारी एजुकेटिव है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको सारे इंस्ट्रक्शंस जो है कहाँ से मिलते हैं, वो सब केंद्र से प्राप्त होने लगते हैं। पूरी तरह से राज्य का बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो राज्य की पूरी व्यवस्था केंद्र के पास आ जाती है, इसीलिए इस व्यवस्था को भी एकात्मक शक्ति कहते हैं। ये हमारे संविधान में एक प्रकार की एकात्मक शक्ति है जो केंद्र को प्रदान की गई है, और समय समय पर इसका दुरुपयोग भी किया गया है। अभी तक 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है, उत्तर प्रदेश में कई बार उसका दुरुपयोग हुआ है, बिहार में सबसे ज्यादा बार इसका दुरुपयोग हुआ है, ठीक है, केरला में दुरुपयोग हुआ है, तो तमाम स्थानों पर इसका दुरुपयोग हुआ है, ठीक है, मिसयूज किया गया है। ठीक, तो कई बार ऐसा हुआ कि सरकारें आईं और उन्होंने कई राज्यों की सरकारों को जो है वो राष्ट्रपति शासन में बदल दिया। ठीक है, और राज्यपाल जो है, ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात की जाए, तो राज्यपाल जो है वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख हो जाता है, क्योंकि उसको सलाह देने के लिए उस समय कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती है, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होती है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक और इमरजेंसी है जो अभी तक कभी लागू नहीं हुई, अच्छी बात है, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसा कि अभी शुरू में आपको मैंने बताया था, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 360, 360
सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका कारण या इसका आधार क्या है, किस आधार पर वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, तो इसके प्रमुख रूप से जो है, अगर हम सामान्य स्थिति में कहें कि देश की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, जैसे रुपए के मूल्य में, रुपी के वैल्यू या रुपए के मूल्य में अचानक अचानक भारी गिरावट। अब आप जानते हैं रुपए को जो है हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, डॉलर से कर रहे हैं, ठीक। अब जो आज की डेट में अगर मान लीजिए 72, 74, 76 रुपए हर अचानक जो है वो 100 पार कर जाए, तो क्या हुआ, रुपए की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, भारत के स्तर पर क्या होगा। तो अब हमारे रुपए, अगर हमारा रुपया कमजोर हुआ है पिछले कई वर्षों में, लगातार कमजोर हो रहा है, कमजोर हुआ इसका मतलब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अमेरिका का डॉलर अगर बहुत स्ट्रांग है, यूरोप का यूरो अगर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, इसका मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तभी तो ऐसा है ना, ठीक है। इसके अलावा एक और कारण मैं आपको अगर दिखाता हूं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख, इंटरनेशनल क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय साख का कमजोर होना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख का कमजोर होना, जैसे अगर किसी व्यक्ति की क्रेडिट खराब हो जाए तो उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। उसी तरह से अगर किसी देश की साख प्रभावित हो जाए, क्रेडिट प्रभावित हो जाए, तो आप क्या होगा, पाकिस्तान की क्रेडिट क्या है, बांग्लादेश की क्रेडिट क्या है कि नहीं, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री की क्रेडिट क्या है, तो जिसके कारण उनको लोन मिलने में परेशानी होगी। और आप जानते हैं कि भारत जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है, वर्ल्ड बैंक और अन्य एजेंसियों से लोन लेना। और अगर ऐसा समय आ जाए कि हम अपने लोन की वापसी ना कर पाए, हम अपने ब्याज की वापसी, इंटरेस्ट की वापसी ना कर पाए, तो हमारी इंटरनेशनल क्रेडिट खराब हो जाएगी और ऐसे में फिर इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति बनेगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी तक हमारी वित्तीय स्थिति चाहे जितनी खराब हो गई हो, लेकिन अभी तक कभी भी ऐसा अवसर नहीं हुआ जब हम जो है वो ऐसी स्थिति में आए हों, ऐसी सिचुएशन में आए हों कि जो है इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ी हो, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी घोषणा कौन करता है, तो ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी की घोषणा कौन कर रहा है, डिक्लेरेशन राष्ट्रपति, यहां भी राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर अब सलाह की बात करें कि किसकी सलाह से, तो सिर्फ लिखा गया है 360 में मंत्री परिषद की सलाह से, जो पहले यही यही लाइन पहले कहाँ थी, 352 में भी थी, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, लेकिन यहां एज इट इज है, मंत्री परिषद की सलाह से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से। अब ये सलाह लिखित होगी कि मौखिक होगी, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ओरल होगा, रिटेन होगा, कुछ नहीं दिया गया, बस सिर्फ लिखा गया है मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि राष्ट्र इसमें अवधि, टाइम पीरियड या समय अवधि क्या होगी, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं आपको। तो समय अवधि या टाइम पीरियड यहां पर भी 2 माह है राष्ट्रपति द्वारा, और फिर 6-6 माह करके, 6 मंथ या 6-6 माह करके संसद इसे अधिकतम यानी अनिश्चितकाल, वैसे ही नेशनल इमरजेंसी के अनिश्चितकाल तक बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक। इसका मतलब कि राष्ट्रपति 2 माह के लिए घोषित करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट रूल की तरह है। संसद एक बार में कितना बढ़ा सकती है, 6 माह, 6-6 माह करके अधिकतम कितना वर्क कर सकती है,
अनिश्चित काल तक, मैक्सिमम अनिश्चित काल तक जो है इसको भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहले से क्योंकि तुलनात्मक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है इफेक्ट या प्रभाव, अगर वित्तीय आपात का प्रभाव क्या हो सकता है। तो देखिए, वित्तीय आपात के प्रभाव की बात करें अगर, तो भाई सीधी सी बात है, आपके पास पैसे की कमी हो जाए। लॉकडाउन और तमाम स्थितियों में क्या हुआ, यही तो स्थितियां हुई कि हम अपने तमाम खर्चों में कमी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है यहां पर जो पहला प्रभाव पड़ता है अगर हम देखें यहां पर, तो राष्ट्रपति के अतिरिक्त एक्सेप्ट, क्योंकि राष्ट्रपति ही ऑर्डर करेगा, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अतिरिक्त सभी सरकारी, क्योंकि प्राइवेट को तो नहीं कर सकते भाई, प्राइवेट का अपना सिस्टम है, सभी सरकारी, सभी गवर्नमेंट या सभी सरकारी पदाधिकारियों, अथॉरिटी जो भी होगा, कर्मचारी जो भी होगा, पदाधिकारियों के वेतन में कटौती, पेमेंट या वेतन में कटौती। ठीक, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वही तो आदेश देगा सभी पदाधिकारियों के वेतन में, तो अपने आप से अपना वेतन कम कर दे बात अलग है, बट वो आदेश देगा सभी प्रकार के सरकारी पदाधिकारियों के वेतन में कटौती हो जाएगी, कमी हो जाएगी, रोक दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा एक सामान्य रूप से सरकारी योजनाओं में, जो भी स्कीम्स हैं योजनाओं में कटौती। तो अब उस समय जब इमरजेंसी लागू होगी तो कोई मनरेगा चलेगा, ठीक है, कोई तमाम तरह के, तो सभी प्रकार के सरकारी खर्चों में कटौती। अब जैसे आप देखिए कि 2020 में भी ऐसा हुआ, 2021 में भी, कि सरकार का बहुत बड़ा फंड जब हेल्थ इमरजेंसी में चला गया तो सरकार ने बहुत सारे खर्चों में कटौती कर दी। तो ठीक है, तो ये सामान्य प्रभाव है, जैसे एक सामान्य परिवार में अगर पैसे की अचानक कमी आ जाए, क्राइसिस आ जाए, तो जो जरूरी चीज़ें होती हैं पहले वो किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर भोजन पानी स्वास्थ्य शिक्षा इन चीज़ों को कि कैसे भी मैनेज करते रहें हम, इसको जो है ना करें। तो अभी जो है बहुत सारे स्थितियों में आप देखते हैं कि जो आवश्यक खर्चे हैं पहले उनको किया जाए, तो वैसे ही किसी देश की व्यवस्था में भी ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमें आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर हम तीनों इमरजेंसी में, आपको मैं पहले फिर से बता दूं कि कुछ चीज़ों को आप कंपैरेटिव रूप से जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हम आपातकालीन प्रावधान को फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर, आपातकालीन प्रावधान या प्रोविज़न, इसको हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इन प्रोविजंस में देखिए कुछ बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो जो आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई, तीनों में अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, हम डायरेक्ट जो है वो ना लिखकर मैं डायरेक्ट आर्टिकल लिख दे रहा हूँ, 352, 356, 360। ठीक, 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। अब आप इसको आर्टिकल के नाम से याद करो। ठीक है, अब आपने देखा कि सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट था किस आधार पर यह लगाया जाता है, किस कारण से यह लगाया जाता है। तो यहां मैंने आपको सबसे पहले किस चीज का आपको ध्यान रखना है, कारण। ठीक, यहां पर कारण क्या आया था, युद्ध कारण आया था। ठीक है, बाह्य आक्रमण कारण आया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यह बात करूं, बाह्य आक्रमण आया, सशस्त्र विद्रोह कारण आया था। यहां पर क्या आया था, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र, ठीक है, विफल होना। यहां पर क्या है भाई, अर्थव्यवस्था आर्थिक से संबंधित है, तो आर्थिक कारण है यहां पर, इकोनॉमिक रीजन है। ठीक है, तो ये कारण हो गया। फिर उसके बाद फिर यह घोषणा कौन करता है, ठीक, घोषणा कौन कर रहा है, तीनों जगह राष्ट्रपति कर रहा है, तो राष्ट्रपति यहां भी, यहां भी, यहां भी कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तीसरी चीज क्या है यहां पर,
तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, किसकी सलाह से करता है, घोषणा करता है लेकिन किसकी सलाह से करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 352 में कैबिनेट की सलाह से, यानी मंत्री मंडल की सलाह से। अब लिखित मौखिक वो तो आप डिटेल में देख ही चुके हैं, यहां पर किसकी सलाह से करता है, राज्यपाल की सलाह से करता है, गवर्नर की सलाह से। यहां पर किसकी सलाह से करता है, मंत्री परिषद। ये ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें मिसिंग ना हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करता है, ठीक है। अब बात आती है समय अवधि, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड अब यहां पर क्या है, राष्ट्रपति जब घोषित करता है 1 माह, फिर प्रारंभिक और मैक्सिमम, दो बताया मैंने, इनिशियल और मैक्सिमम, ठीक है। तो 1 माह यहां पर क्या है राष्ट्रपति द्वारा, 2 माह, यहां भी क्या है 2 माह, ठीक है। अब यहां पर अधिकतम क्या हो सकता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम यहां पर अनिश्चित काल, 352 जो है अनिश्चित काल के लिए हो सकता है। ये कितने लिखे, 3 वर्ष के लिए, और ये कितने समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए, इनफाइनाइट पीरियड, अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए कुछ पॉइंट्स पर, अब इसी तरह से प्रभाव की आप तुलना कर लीजिए, ये अपने आप से एक चार्ट बना के, और इसको आप जितना डिटेल आप कंपेयर कर सकते हो डिटेल में कर लो, शॉर्ट में करना है शॉर्ट में कर लो, आप जो है इसमें जो भी चाहो, तो इस एक एक टेबल माध्यम से आप करना चाहो तो एक टेबल माध्यम से कर लो, आप ऐसे एक टेबल बना लो, ठीक है। ये वाले चीज़ें जो है आप इसके अंतर्गत ऐसे करके आप इधर टेबल बना के कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप जो है यहाँ पर, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा कि भाई नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत लगती है। नेशनल इमरजेंसी किसकी सलाह से लगाई जाती है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट की सलाह से। राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल किसकी सलाह से, राज्यपाल की सलाह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो क्वेश्चंस होंगे उनके आप आंसर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो बच्चों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अक्सर इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं सिविल की बात करूँ तो उसके मेंस में भी, उसके इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कंपैरेटिव तरीके से आप इसको कवर अप कर सकते हो, जैसे कि मैं क्लास में बोर्ड पे इसको कंपैरेटिव ही बताता हूँ, यहाँ मुझे स्पेस देखना था इसलिए मैंने पहले आपको अलग अलग बताया और कुछ की पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पर कंपेयर किया, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे इसको हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। पीईटी का आपने सिलेबस देखा है, और बहुत सारे एग्जाम्स का, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे आप एसएससी हो, सब सिलेबस आपको पता है, चीज़ों को कंपेयर करिए। मैंने कल भी कहा था कि कंपेयर करेंगे तो सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है, बस ये है कि आप तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, सबसे मेन बात यहाँ पर ये डिपेंड करती है। तो किसी भी तरह के भटकाव से बचो और अपने ट्रैक पे चलकर अपनी अच्छे से तैयारी करो, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में आप अपनी सक्सेस सुनिश्चित कर सको, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सको, अपनी पहले से जो सफल हो चुके साथी हैं उन्हीं की तरह से आप भी सफल हो सको। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।